के मीटअप में आप सभी का आना उतना ही सुखद है जितना अरमानों का सच हो जाना। ये मोबाइल की स्क्रीन और टैबलेट और लैपटॉप की स्क्रीन से उतर कर जो सितारे आप सबके बीच में चंद लम्हों में आएंगे, आपकी आंखें जो बहुत बेकरार होंगी उन्हें देखने को जिन्हें आप केवल स्क्रीन पर देखा करते हैं। गुरु कोई और नहीं होता है, गुरु एक अवतार मात्र होता है। अवतार कौन होता है? देखो, हमेशा याद रखना, जो आपको ऊपर से उतार कर नीचे ले आता है वो हमेशा अवतरणिका कहलाती है। सीढ़ियां जो ऊपर से नीचे ले आए वो अवतरणिका कहलाती है, और वही जब आपकी कोई नन्ही सी उंगलियों को थाम कर नीचे से सफलता की एक एक मंजिल चढ़ाता हुआ आपको शिखर तक ले जाए और वहां कहे कि बस मेरा सफर यहीं तक था, ऐसे लोग अवतार ही होते हैं, ऐसे शिक्षकों को मेरा प्यार है। लखनऊ आगमन हो और ये ना कहा जाए कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लेकिन हमारा पहली बार ऐसा सौभाग्य हुआ है ईश्वर की कृपा से और एमपी क्लासेस के इस प्रयास से कि हम आप एक दूसरे को इस तरह से मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एमपी क्लासेस को और ईश्वर को भी। देखिए, आज के दौर में एजुकेशन बहुत, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले कि मुझे शिक्षित होना है, मुझे कुछ बनना है, तो उसके लिए बाधाएं नहीं है पहले जैसी, पहले जैसी चुनौतियां नहीं है, पहले जैसे संघर्ष नहीं है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे गाड़ी भी अगर आप चलाने निकले, बाइक भी चलाने निकले, तो एकदम बहुत स्मूथ रोड हो, हाईवे हो, और बिल्कुल चलाते जाए तो थोड़ी देर बाद लगता है कि अरे कहाँ आगे निकले जा रहा, मजा नहीं आता है। तो भीड़ भाड़ में जो मजा आता है, कॉम्पिटिशन में जो मजा आता है, थोड़ा इधर से निकाल ले, थोड़ा उधर से निकाल ले, तो उसका अलग ही आनंद है। तो साथियों देखिए, लाइफ में सफल हर कोई होना चाहता है, सफलता हर किसी को चाहिए, कैरियर हर कोई बनाना चाहता है, आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन हर कोई हो तो नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां तो रही जाती है। लेकिन फिर भी हमें अपने आप को पूरे दृढ़ मोटिवेट रखना है और एकदम बिल्कुल चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कहीं ना कहीं आगे चल के सफलता तो मिलनी है। कहते हैं कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, वो हौसले अगर बुलंद तो सामने कोई दीवार नहीं होती, चलते हुए तेरे आंखों से कहा रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक बात बताना चाहता हूँ कि एक वृक्ष कैसे बड़ा हुआ। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में पड़ा था, यानी अगर हम बात कहें दोस्त, सत्यम सर ने पहली बार एक वीडियो बनाया और उसी के साथ एमबी क्लासेस की नींव पड़ी,
ये सर को कुछ ऐसा प्रेरणा देना शुरू की और वहां से एक एक वीडियोज बनने लगे। फिर बात आती है यूपीएसआई के एग्जाम के पेपर एनालिसिस की, और सर रात में उस पेपर की पूरी एनालिसिस करके सो गए। सुबह सर ने देखा तो पूरी तरह से हथकंप महसूस थे कि जो जिस चैनल पे मात्र 3-4 हजार सब्सक्राइबर थे, सुबह वह लाखों के ऊपर जा चुका था। बस रात भर की बात थी, लेकिन उस रात से पहले न जाने कितने रात की मेहनत थी। दोस्तों हम बात करते हैं 6 महीने के बाद वो चैनल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2019 में 1 लाख की संख्या को पार कर गया था। बात यहां पर आती है कि जब परिवार कोई बड़ा होता जाता है तो इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। 2018 में एक नोटिफिकेशन आता है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम का। एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम की 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आती है और सर ने एक छोटी टीम को लेकर शुरुआत करनी चाहिए कि देखते हैं क्या होता है। दोस्तों जब बात होती है कि सबको अपने आप पे भरोसा हो और दिन रात मेहनत करने की जज्बा हो, मैं ये जानता हूं कि रात में हमारी संस्था से जाने वाला 12 बजे जो टीचर वहां से जाता है, सुबह 7 बजे अगर आए तो देखता है कि सर पहले से बैठे हुए हैं। अगर कभी 7:30 में आके बैठे हुए हैं तो मुझे तभी पता चल गया था कि जिस संस्था का मुखिया, जिस संस्था का करता धरता इतना ज्यादा मेहनती हो, उनको ये पता है आज कौन आया है कौन नहीं आया है, किसको बुखार है किसको क्या है। हर सुख दुख, यहाँ तक कि जो बच्चे थोड़ी जिद कर देते हैं उनसे भी बात करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसी संस्था के पास जब जिम्मेदारी आई ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम कराने की, बहुत सारे मेरे दोस्त स्टेशन मास्टर मेरे सामने बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि कोचिंग के सिलसिले में ही मुझे कभी जयपुर जाना होता है, कभी बनारस, कभी पटना, कभी उड़ीसा, कभी गुवाहाटी जाना होता है। मैं अक्सर देखा हूं कि न जाने किसी भी स्टेशन पे ट्रेन पकड़ते समय अक्सर कोई ना कोई बच्चा मुझे पकड़ के रास्ते में, कभी सीढ़ियों पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग फोटो में खुद देता रहता हूं। मुझे समझ में नहीं आता आखिर सर ने ऐसा कौन सा वृक्ष तैयार किया है जिसके फूल हर जगह। मुस्कुराहट हो किसी, अरे सुना लेने दो यार, मैं एक फकीर के होठों की मुस्कुराहट हूँ, किसी से भी मेरे मेहनत की कीमत अदा नहीं होती, सफलता यही तो कहती है। सब लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ये एनर्जी ही अलग अभी फील हो रही है। अभी सुबह जब हम लोग आए थे तो बहुत शांत था, लेकिन अभी सर ने जैसे कहा कि टेम्परेचर सच में बढ़ गया है और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। सो बिफोर एवरीथिंग एल्स आई वुड लाइक टू थैंक हमारे की यूनिटी के शो जहाँ से सारी यूनिटी आ रही है, मिस्टर सत्यम सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, और कुछ ऐसी बातें करेंगे, देखो यहाँ पर लेक्चर देने में नहीं आई, आपको समझाने के लिए विशाल सर भी है और अभिषेक सर भी है और बहुत सारे अध्यापक है। ठीक है, तो हम ऐसी कुछ बातें करेंगे जैसे कि एस्पिरेंट टर्म होता है, यहाँ पे सब एस्पिरेंट बैठे राइट, एक बार एनर्जी के साथ सब लोग बोलेंगे कितने कितने एनर्जी के साथ एस्पिरेंट भरे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चार पांच तक तो पहले होगी आवाज ना। ठीक है, तो हम एस्पिरेंट शब्द को पहले समझते हैं। देखो क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक एस्पिरेंट होता है ना। स्टूडेंट से एस्पिरेंट बनने का जो सफर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि हम कभी किसी को देखते हैं कि यार ये गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, इसका बड़ा नाम हो रहा है, घर वाले भी कह रहे हैं इसी की तरह बनो, क्या कर रहा है तू, कुछ नहीं कर रहा है, ये वाली फीलिंग कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंकल्केट कर दी जाती है स्टार्टिंग से। तो जो एस्पिरेंट होता है ना वो क्या करता है, कभी किसी एग्जाम के बारे में सुनता है तो अपना फोन उठाता है, मुझे बताना कितने लोग रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक फोन उठाता है अपना और उसके बाद गूगल खोलता है और उसके बाद फोन चेक करता है, करिए कभी और मैं चाहूंगी मैं ही नहीं, आप हम सारे अध्यापक और स्टाफ मेंबर सभी लोग ये गाएं।
ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है, उसके लिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक तो चाहिए, बिना बैकग्राउंड के गाना कैसे गाएगा, ठीक है। चलो माना हुई थी, ये एमडी क्लासेस परिवार कैसे बना था, बाकी सभी चीजें आप अपने अभिषेक सर से जाना है। और आप सभी को पता है कि ऑनलाइन जो हम लोग पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन दुनिया की इस ऑफलाइन भीड़ को देख के इतने सारे बच्चे जो आज हमें ऑफलाइन देख पा रहे हैं, हम बच्चों से मुलाकात कर पा रहे हैं, इसको देखकर वाकई अब ऐसा लगने लगा है, चाहे हम है चाहे हमारी पूरी टीम है, कि हम लोग अगर इस स्तर पर पहुंच रहे हैं तो इसके पीछे वाकई में काफी मेहनत हुई है। और जब हम लोग लगातार मेहनत कर रहे होते तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इतना मेहनत हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, क्योंकि जीवन में बस अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके पीछे का लक्ष्य यही होता है। तो हमेशा से कहा है कि एमडी क्लासेस का सिर्फ एक गोल है कि भारत के हर एक कोने तक हर एक बच्चे तक पहुंचना, और वो हर एक बच्चे तक सबसे कम फीस में साथ ही साथ सबसे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की शिक्षा देनी है, और वो हम लगातार कर रहे हैं, और इसके लिए एक बार जोरदार तरीके से सभी की तालियां हो। जब फॉर्म भराए जा रहे हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो फॉर्म भरे हैं पिछले 10 दिनों में, हम लोग ये प्लान बनाया कि एक मीटअप करते हैं, बस उससे दीदी का रिजल्ट आया और उसके बाद ऐसी आवश्यकता लगी कि एक बार जरूर मीटअप करते हैं सभी के साथ मिलकर। 10 दिन हुए लगभग हम लोगों ने एक प्लान बनाया और उसके बाद बच्चों से फॉर्म भराना शुरू किया। तब ऐसा हो रहा था कि हो सकता है कि भाई जैसे दिल्ली में आपको पता है कि G20 का मीटअप चल रहा है, इस वजह से कई सारे ट्रेन जो है वो कैंसिल है, बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चा आ सकता है कि नहीं आ सकता। और जब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कराई तो उसके बाद इस तरीके से आप सभी का जो प्यार है वो वाकई में काबिल तारीफ। और हम लोग जब इससे पहले ऊपर अभी बैठे हुए थे, सभी टीचर लोग प्लान बना रहे थे कि भाई कैसे क्या होना है, क्या चीज़ नहीं होना, तो वाकई में ऐसा दिल से लग नहीं रहा था कि इतनी भीड़ आ रही होगी, इतना सारा बच्चा सपोर्ट कर रहा होगा, इतना सारा बच्चा यहाँ पर आ रहा होगा, तो दिल से अच्छा लग रहा है और बहुत शानदार लग रहा है आप सभी को इस ऑफलाइन तरीके से देखे जो बच्चे परिचित हैं। अब मैं नहीं परवार कोई क्या वो छोटे काम में छूटे जाते
पर अब नहीं चूकूंगा मैं, जब वार कुछ और होगा, वार कुछ और होगा, और यही चार संख्या ध्यान रखनी है आपको, पूरी एनर्जी लगा देनी है कि आपकी अगली जो भी परीक्षा हो रही है, लेकिन सफल हम तभी हो पाएंगे जब हमारे जीवन में एक टारगेट हो रहा होगा। अगर टारगेट नहीं है, हो सकता है आगे जो भी परीक्षा है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम होता है जब हम परीक्षाओं की तैयारी करा रहे थे तो कभी कभी हमें भी लगता है कि यार इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया, अब पेपर कब होगा कब नहीं होगा, बच्चा कहता है ठीक है टेम्परेचर चलाइए सर ये करिए वो करिए, बहुत सारी चीज़ें होती है वो लगातार करते भी हैं, लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता है कि किस तरीके से प्रेशर बनाना है, किस तरीके से भी बनाना है, उसके बाद भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, कुछ भी कंफर्म नहीं होगा। तो अब हमारे पास एक टारगेट बहुत जरूरी है, एक समय ऐसा होता था कि हम ये बात कह रहे होते थे कि भाई अगर हमें कभी भी कुछ भी जीवन में आगे करना है तो हमें सिर्फ एक नाव पे पैर रख के चलना पड़ेगा, आप सभी ने सुना होगा, लेकिन अब वो दौर रहा नहीं और हमें ये है अपने टारगेट को ये रखना है कि हमें छोटे छोटे टारगेट को जरूर पूरा करते रहना है। होता क्या कि चार महीने पाँच महीने बाद अगर हमारे पास मान लीजिए कोई परीक्षा है और आपको पता है कि चार पाँच महीने की परीक्षा से पहले हमने एक फॉर्म आ गया अचानक से, हमने वो फॉर्म भर दिया और उस फॉर्म में हमने पूरी जान लगा ली, तो आपको पहला वो फॉर्म चुनना है जो परीक्षा आपकी पहली हो रही है। अगर हम पहले परीक्षा पर फोकस नहीं रखेंगे तो इस परीक्षा को अगर हम देकर भी चले जाएंगे और नंबर हमारे कम हो जाएंगे तो अगले परीक्षा के लिए भी हम डिमोटिवेट फील करेंगे। इसीलिए चीज को फोकस रखिएगा कि अगर हमने दो या तीन फॉर्म भरे हैं और हम इस चीज पे टारगेट कर रहे हैं कि दो तीन फॉर्म में सबसे पहले जो परीक्षा हो रही है उसमें पूरी जी जान लगा देना है और उसमें सिलेक्शन लेना है, उसके बाद नौकरी करनी है कि नहीं करनी, वो हमारे मतलब के लिए अगर हमें लग रहा है कि करनी है तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन हर एक परीक्षा को एक चुनौती लेकर चलना है और हर एक परीक्षा को पूरी जी जान के साथ मेहनत करना है, तो आगे आपका जो भी अगला परीक्षा होगा वो जरूर उसके साथ पूरा टारगेट कर लेगा। और हमेशा ये चीज रखिए कि जीवन में संघर्ष आना तय है, अगर एक विद्यार्थी की बात करेंगे तो हर एक यहाँ पर विद्यार्थी होता है, हम चाहे कोई विद्यार्थी का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ भी सीख रहा होता है वो विद्यार्थी होता है, हर एक आदमी विद्यार्थी है और विद्यार्थी जीवन में संघर्ष आना तय, क्योंकि विद्यार्थी जीवन का मतलब ही है कि संघर्ष वाला जीवन। कभी कभी आपको लगता है कि भाई हमने बहुत संघर्ष कर लिया, हमने बहुत ये सारी चीजें कर ली, वो सारी चीजें कर ली, एक कहानी है इसके ऊपर और माइक की आवाज जो है प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही, माइक थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है तो एक बड़ी शानदार सी कहानी है और ये संघर्ष वाली कहानी है, विद्यार्थी जीवन के अंदर जो लगातार संघर्ष होता है, संघर्ष का मतलब यही है कि हम दिन भर जो भी चीजें कर रहे हैं, रिजल्ट आया रिजल्ट नहीं आया, परीक्षा हुई परीक्षा नहीं हुई, हमने पूरा 100% दिया हुआ कि नहीं हुआ। आप में से कोई बच्चा अगर मान लीजिए अपने घर में दो पेड़ खरीद कर लेकर आता, बहुत ध्यान से हर एक बच्चे सुनिएगा, और अगर हम दो पेड़ों को एक पेड़ अपने घर के आंगन के बीच लगा लेते हैं और दूसरी हम कहीं भी बाहर जंगल में लगा लेते हैं, तो घर के आंगन में जो हमारे पेड़ हो रहा होगा उसमें हम लगातार पानी देंगे, लगातार खाद देंगे, सारी चीजें उसमें कर रहे हैं, उसकी जो भी जरूरतें होंगी हम उसको बराबर पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो हमने बाहर पेड़ लगाया है उसको शायद देखने भी ना जा रहे हो कि उस पेड़ में क्या है क्या नहीं है, वो हम देखने नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर हम 10-12-15-20 साल बाद जाके देख रहे होंगे तो शायद दोनों ही पेड़ बराबर लंबाई चौड़ाई आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर के आंगन के बीच वाले पेड़ जो हमने लगाए हैं उसको अगर हम हिलाएंगे तो हमें ये लगता है कि जड़ सहित उसकी पत्तियां भी हिल रही होंगी, लेकिन अगर हम जंगल वाले पेड़ को इस चीज को आप महसूस करेंगे, अगर हमने जो जंगल में पेड़ लगाया है अगर हम उसको जाके हिला रहे होंगे तो क्या हम उसके तने को भी हिला पाएंगे क्या, तो नहीं हिला पाएंगे, सबका जवाब यही है कि हम नहीं हिला पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पेड़ हमने अपने आंगन में लगा रखा है, घर के बीच में लगा रखा है, आपको पता उस पेड़ की हमने हर एक जरूरतें पूरी कर ली, अगर उसको पानी चाहिए समय पर हमने पानी दिया, हमने समय पर उसे खाद दिया, अगर उसे हर एक चीज समय पर मिल रहा है तो उसके जड़े नीचे खो जाएगी पानी की तलाश में, या उसके बाकी सभी जो काम करने वाले आपके हो रहे हो तो नीचे क्यों करेंगे, उसकी मेहनत क्यों करेंगे, तो उसकी जड़े नीचे ना जाके सिर्फ आपके अगल बगल फैल रही होती है और इसकी वजह से वो पेड़ उतना मजबूत नहीं हो पाता, लेकिन जो पेड़ हमने जंगल में लगा रखा होगा उसे हर एक चीज खुद लेना होगा, चाहे पानी है चाहे जो भी है, इसकी वजह से उसकी जड़े लगातार जमीन के अंदर जा रही होंगी और जितना ज्यादा जड़े अंदर जाएंगी उतना ही वो पेड़ मजबूत होगा। इसका सीधा का मतलब यही है कि अगर हमारे जीवन में संघर्ष है, इसका मतलब हम संघर्ष को जितना ज्यादा कर रहे होंगे उतना ही मजबूत होते जाएंगे, और यही कहना भी अगर हम हमारे जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होने लगा ये समझ लीजिए कि सफलता आपके करीब आ गई, और ये शानदार सी कहानी आपको लगातार मोटिवेट भी करेगी, इसलिए कभी भी संघर्ष से परेशान नहीं होगा। देखिए संघर्ष अगर आता है तो उसका सिर्फ एक है जिससे आप संघर्ष से बाहर आ सकते हैं, वो है धैर्य। जितना हम धैर्य रखेंगे संघर्ष हमारे लिए उतना ही आसान होगा। अगली चीज ये भी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और अनुराग सर आए और जितने भी रेलवे के सम्मानित
बच्चे हैं उन सभी को सम्मान समारोह का कार्यक्रम आगे बनाया जाए और इसी तरीके से आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिर मिलेंगे एक शानदार तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं रेलवे के सम्मान समारोह। थैंक यू सर के लिए। और भूखे पेट वालों को देशभक्ति सिखाने वाले भूखे इंसान को गद्दार बना देती है। मुझे लगता है कि इनकी गड़गड़ाहट जो है कई दिनों तक हम लोग के कानों में गूंजती रहेगी। मैं बुलाना चाहूंगा फिर से सत्यम सर को, विशाल सर को। याद नहीं था कि इस तगत के नीचे कुत्ते बैठे हैं।
जैसे मैंने दो लाइन अभी गाई ना, कुत्ते सारे बाहर आके और मेरे तरफ देख के बोलने लगे। मैं सोचा कि गाता रह रहा हूँ तो भी भोगना जारी रखे, मैं चुप हो गया, वो भोगना बंद कर दिया। फिर मैं कोशिश किया, मैं सोचा कि आशावादी इंसान था, मैं सोचा एक बार और कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा कोशिश किया, कुत्ते जो भी थे वो सोचे कि ऐसी स्वर में तो कोई नहीं गा सकता, दोबारा वो भूक दिए। उसके बाद से मेरे दोस्त आज तक मैंने गाना नहीं गाया। मैं सोचा कि न जाने कहाँ से कौन आ जाएगा। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा नाम आएगा। लग रहा है कुछ दर्द है, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही दम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही दम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर भंजा, तो बहुत धन्यवाद। एक बार मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है तो मैं इस मंच के माध्यम से, एमडी क्लास के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। मैं इंडियन एयरफोर्स में जूनियर वारंट अफसर, जिसको जेसीओ बोलते हैं, जूनियर कमीशन अफसर के पद से रिटायर हूं। और जब मैं इस उम्र में यानी कि 20 वर्ष नौकरी करने के बाद, पूरा परिवार संभालने के बाद, और मैं पढ़ाई करके और मैं एक सर्विसमैन कोटा से नंबर वन हूँ, इलाहाबाद बोर्ड से सकता हूँ इस एज में, मैं 40 प्लस हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल नए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं हुआ तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप हर सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने पर भरोसा रखिए कि मैं जो कर सकता हूँ कि सारा किसी का बाप भी नहीं कर सकता। एक शायरी कहना चाहूंगा कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। में पाई जाती है, कमेंट करके बताएंगे। अरे अल्लाह आंसर नहीं है यार, कमेंट वाला की बात एकदम भाई साहब नहीं कर रखी है।
होगी। एक बार फिर किसी हिमालय से गंगा